फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट जयादव। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। वेल दोस्तों, लेकर हाजिर हूं अपना आज का ये बेहद खास प्रोग्राम ट्रेंडिंग बॉलीवुड, जिसमें मैं आप सभी से बात करने वाला हूं इन दिनों ट्रेंड में चल रही कुछ खबरों के बारे में। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के बारे में, साथ ही बात करूंगा सलमान खान और अमिताभ बच्चन के बारे में। जी हाँ, ये चारों लोग इन दिनों कैसे ट्रेंड में बने हुए हैं, आप सभी इस खास प्रोग्राम में जानने वाले हैं हमारे इन खास रिपोर्ट्स के जरिए। सबसे पहले मैं आप सभी को अपनी पहली रिपोर्ट दिखाऊंगा, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हम अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, सलमान खान और साथ ही साथ अभिषेक बच्चन के बारे में। जहां पहली रिपोर्ट में आप देखेंगे कि कैसे अभिषेक को ऐश्वर्या का बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आया, तो वहीं सलमान खान नाम के एक पेज ने क्या ट्वीट किया, क्या फैन जो अकाउंट बना हुआ था वहां से क्या कमेंट किया गया, आप ये देखने वाले हैं। तो वहीं आप ये भी देखेंगे आज के इस बेहद खास प्रोग्राम में कि कैसे लगातार ही और भी खबरें वायरल हो रही हैं 10 कदम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जहां सलमान खान ने बात की अमिताभ बच्चन को लेकर। जी हाँ, शोज लगातार बैक टू बैक सलमान खान किए जा रहे हैं, तो वहीं कई एंकर्स को उन्होंने घर पर बिठा दिया है। आज आप ये भी देखने वाले हैं कि कैसे इसके अलावा सलमान खान अपने टीवी पर क्या देखते हैं। जी हाँ, ये कुछ ऐसी खबरें हैं जो कि इन दिनों बॉलीवुड गलियारों में लगातार ही ट्रेंड कर रही हैं, जो आज के इस खास प्रोग्राम में आप सभी देखने वाले हैं। बिना देरी किए शुरुआत करता हूं अपने इन बेहद खास रिपोर्ट्स की, जहां सबसे पहले ऐश्वर्या अभिषेक के बीच की खाने की अनबन, उसके बाद अमिताभ बच्चन को लेकर क्या बोला सलमान खान ने, और साथ ही साथ टीवी पर क्या देखते हैं सलमान खान। डाली नजर इन खास रिपोर्ट्स पर। बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन और साथ ही साथ अभिषेक बच्चन बॉलीवुड के सबसे क्यूट कपल्स में से एक हैं। जी हाँ, दोनों जब भी साथ में आते हैं तो फैंस दोनों की जोड़ी को काफ़ी पसंद करते हैं, और दोनों की जोड़ी लोगों को बेहद ज़्यादा जहाँ पसंद आती है, तो वहीं दोनों को साथ में देखने के लिए सभी बेताब भी रहते हैं। बता दें आपको कि अभिषेक अक्सर अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए अपनी वाइफ ऐश्वर्या की तारीफ़ों के पुल बांधते रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सरेआम ऐश्वर्या को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि हर कोई हैरान रह गया। जी हाँ, अभिषेक ने 28 मई की सुबह अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, क्यों आखिरकार क्यों कुछ लोग ऐसा करते हैं, क्यों, मेरा मतलब है कौन ब्रोकली खाना पसंद करता है। अब आपको बताते हैं अभिषेक के इसी ट्वीट के पीछे का रीजन। दरअसल अभिषेक बच्चन ने ये ट्वीट इसलिए किया था क्योंकि ऐश्वर्या उनके लिए ब्रोकली बना रही थी, और बस फिर क्या था, एक दुखियारे पति की तरह अभिषेक ने सोशल मीडिया पर ही अपनी भावनाएं जाहिर कर डाली। आपको ये भी बता दें कि इसके कुछ देर बाद ही अभिषेक ने एक और ट्वीट किया, जी हाँ, जिसमें उन्होंने अपने खाने की फोटो शेयर की और लिखा, टॉक अबाउट हैशटैग मर्फीज लॉ ग्वेस मिसेज रीड माय लेट पोस्ट। लगता है कि मिसेज ने मेरी लास्ट पोस्ट पढ़ ली। आपको बता दें कि अभिषेक ने जो पोस्ट की है उसमें ऐसा लग रहा है कि ऐश्वर्या ने उन्हें साबूदाने के साथ ब्रोकली मिक्स करके खाने के लिए दे दी, और अभिषेक के फोटो शेयर करने के बाद ही लोग इस पर मजेदार कमेंट करने लगे। बता दें आप सभी को कि सलमान खान नाम के एक फैन ने भी इस फोटो पर कमेंट करते हुए लिखा कि नहीं खाना तो मुझे भेज दो। तो वहीं कुछ फैंस ने अभिषेक को सलाह दी कि पत्नी जो भी खाने को दे रही है उसे खाकर खुश रहो। बता दें आप सभी को कि अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी को 11 साल पूरे हो चुके हैं, साथ ही साथ दोनों की आराध्या नाम की एक बेटी भी है, और अभिषेक जल्द ही फिल्म मनमर्जियां में नजर आएंगे, तो वहीं ऐश्वर्या भी फिल्म फने खां में दिखाई देंगी। आपको ये भी बता दें कि दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खबरों में है अपनी फिल्मों को लेकर, तो वहीं ऐश्वर्या जहाँ काफ़ी लंबे टाइम के बाद अब फिल्मी पर्दे पर नजर आने वाली हैं, तो इसके लिए फैंस काफ़ी बेताब हैं। वेल, हाल ही में सलमान खान 10 कदम के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मौजूद रहे, जहां पर सलमान ने बात की अमिताभ बच्चन, शिल्पा शेट्टी समेत कई सारे होस्ट को लेकर। जी हां, यहां पर ऐश्वर्या के ससुर अमिताभ बच्चन को लेकर क्या कहा सलमान खान ने, और साथ ही साथ कैसे सलमान खान सारे शोज लगातार करते जा रहे हैं, आइए सुनाते हैं खुद उन्हीं से ही।
Salman, historically, when we look at movie stars, you know, whether it was Mr. Rajesh Khanna or Mr. Bachchan, you know, in mid-40s, late-40s, you know, they weren't getting the roles and they were not able to resonate. You, one exception who changed it, and, you know, and of course with Dabang and with the no, show. No, there are four exceptions. But so very few people have really, you know. Now there's Shah Rukh, there's Amir, there's Aki. So we're all the same age. That's true. We're all the same age. But, I mean, the way you done it, very few people can. And the fact that, for instance, Colors, like we spoke, had Mr. Bachchan, you know, anchor one season, Shilpa Shetty. Then they went to you, then they've stayed with you. Daskadam, after 9 years, they've come back to you. You know, people who work with you want to come back to you and, you know. I've just been fortunate and very professional. Hi, Salman. But do you feel that, you know, maybe you give it out that you're not, you know, it's all easy, but there's a lot of thought there because directors like David Dhawan have said that Salman bahut soch ke karta hai. Jisko life sikhaye, usko kaun bhala haraye. Well, Salman Khan ne haal hi mein ek khulasa kiya hai ki aakhirkar TV par kya dekhte hain aap sabhi ke favorite Dabang Salman Khan. जी हाँ, सलमान ने जहाँ यहाँ पर ये बताया कि वो टीवी पर जो लगा रहता है उसी को छोड़कर वही सब देखते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा ही कि सलमान खान टीवी देख रहे हैं और ऐश्वर्या की कोई फिल्म या फिर कोई डांस मोमेंट चल रहा हो। खैर, अब क्या कहा सलमान ने, आइए आपको सुनाते हैं। आप खुद टीवी को कितना फॉलो कर पाते हैं और कौन सी शोज फॉलो करते हैं? मैं टीवी ऐसा देखता हूँ, कुछ भी देख रहा होता हूँ, जो भी चैनल चल रहा होता है, मैं उसको चेंज नहीं करता। So sometimes there's some South films going on, where I don't understand, and it's going on, and I've been asked this, okay, why are you changing? I said, going on, what to change? It's going, I'm looking at it, I find it interesting, I'm learning what not to do, what to do. What is your problem? Salman, and I hate it when people keep on coming and changing channels. Even if I'm watching Bakwas, but somebody comes and says, change the channel. Yaar, kai ko? Salman, towards your left. Yeah. Salman, hi. Well, दोस्तों, ये बॉलीवुड की नगरी है, यहाँ कब क्या वायरल होने लग जाए इस बात का अंदाजा आप और हम भी नहीं लगा सकते। तो वहीं इन दिनों सलमान खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन से जुड़ी कौन कौन सी खबरें लगातार ट्रेंड में बनी रही, जहां सारी खबरों का लिंक कहीं ना कहीं सलमान खान के ऊपर ही था। जहां आप सभी ने सबसे पहली खास रिपोर्ट में ये देखा होगा कि कैसे ब्रोकली जो ऐश्वर्या राय बच्चन ने बनाई थी उससे कैसे परेशान हुए अभिषेक बच्चन, जहां सलमान खान नाम के एक अकाउंट से, जो सलमान खान का फैन पेज है शायद, उससे कमेंट किया गया कि आपको पसंद नहीं आ रहा तो मेरे लिए भेज दो। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि कैसे इसके बाद दस्कादम के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उस पर सलमान खान ने काफी सारी बातचीत की है। इसी बातचीत के बीच सलमान खान ने बात की अमिताभ बच्चन को लेकर भी। अमिताभ बच्चन को लेकर उन्होंने क्या कहा, आप सभी ने ये भी सुना होगा कि कैसे अमिताभ बच्चन लगातार ही सुर्खियों का कारण बने रहे। वेल, दोस्तों, इसके अलावा आपने ये भी जाना कि कैसे इन खबरों के अलावा सलमान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर यह भी बताया कि दस का दम के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उन्होंने ये बता दिया कि आखिरकार अपने टीवी पर सलमान खान देखते क्या है। जी हाँ, सलमान खान का कहना ये था कि टीवी पर कुछ भी चलता रहता है और वो चैनल चेंज ही नहीं करते। स्ट्रेंज बात है, लेकिन सच यही है, क्योंकि सलमान खान ने खुद ही बताया है। वेल, दोस्तों, आप सभी ने जाना आज कि कैसे ट्रेंडिंग बॉलीवुड बेहद खास प्रोग्राम में कुछ चीजें लगातार ही ट्रेंड कर रही थी, तो वहीं आपने ये भी जाना कि कैसे इन चीजों ने लगातार ही जहां ट्रेंड में जगह बनाई और साथ ही साथ ट्रेंड तो चल रहा है दस का दम का भी और इन बाकी स्टार्स का भी, जो कि पूरे तरीके से छाए रहते हैं, यानी कि ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन और साथ ही साथ सलमान खान। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए, बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।